मथुरा में एक निजी हॉस्पिटल में स्टाफ के साथ मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किस पर मारपीट का आरोप लगा है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खैर ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले सीसीटीवी में कैद तस्वीरों पर गौर कीजिए। हॉस्पिटल के आईसीयू में एक शख्स बेड के पास खड़ा है, तभी कमरे में कुछ लोग दाखिल होते हैं जो बेड के पास पहुंचते ही मारपीट शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में हॉस्पिटल का आईसीयू रूम किसी जंग के अखाड़े में तब्दील हो जाता है। हॉस्पिटल में मौजूद महिलाएं और दूसरे लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं लेकिन मारपीट को रोक नहीं पाते। चलिए अब जान लेते हैं क्या है मामला। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक बीजेपी विधायक राजेश चौधरी की मां का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिसे देखने के लिए विधायक के भाई, समर्थक और पीआरओ अस्पताल आए थे। इस दौरान वो वीडियो बना रहे थे जिस पर हॉस्पिटल स्टाफ ने रोका तो मारपीट करने लगे, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। एक्चुअली आज सुबह 8:30 बजे लगभग विधायक राजेश चौधरी जी की मदर एडमिट थी आईसीयू में, कुछ साथी लोग उनके भाई प्रतिनिधि और बाकी अन्य साथी लोग हॉस्पिटल पे आए, स्टाफ के साथ बदतमीजी करी और मारपीट करी। जो कानून के रखवाले हैं, कानून रक्षक वही करेंगे तो देश का क्या होगा। योगी जी डेली कह रहे हैं आजकल कि हम कानून की सेफ्टी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, वही लोग हॉस्पिटल आके बदतमीजी करेंगे, आईसीयू में घुस के बदतमीजी करेंगे, मारपीट करेंगे तो देश का क्या हाल होगा। हॉस्पिटल में स्टाफ के साथ मारपीट पर आईएमए ने विरोध जताया है तो वहीं डॉक्टरों ने भी नाराजगी जाहिर की है। गंभीर लोग हैं, उनकी व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए होता है, न कि खुद आके डॉक्टर के आत्मविश्वास को गिराना और वो कार्य कैसे करेगा। तो हमने अभी सब लोगों को सूचित कर दिया है, सभी डॉक्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि राजेश चौधरी जी आके इस चीज़ का जो है हम लोगों से मिलें और अपनी इस घटना के लिए अपने को उसके लिए पश्चाताप करें किस तरीके से, नहीं तो आईएमए सब डॉक्टर ललित जी के साथ है। इस मामले में जिले के दूसरे डॉक्टरों में भी खासा रोष है। बताया जा रहा है कि जिले के 12 के करीब डॉक्टर मथुरा के थाना हाईवे पहुंचे और वहां थाने में तहरीर दी। देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कोई एक्शन लेती है या नहीं।